नमस्कार फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू नेवर गिव अप एकेडमी। माय सेल्फ कामयश कारेलिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी इंडियन आर्मी है वो टूर ऑफ द ड्यूटी नाम का नया कॉन्सेप्ट लाने वाली है। तो देखेंगे जो ये टूर ऑफ द ड्यूटी नाम का जो नया कॉन्सेप्ट है उससे क्या हमारी आर्मी को बेनिफिट मिल सकते हैं, और साथ में देखेंगे कि कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया है तो वो क्रिटिसिज्म क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे काव्यश किशोर भाई कारेलिया के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ भी सकते हो, जहाँ पे मैं नियमित स्वरूप से ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर करता हूँ जो आप सभी को यूजफुल होगी, ऐसी मैं आशा भी रखता हूँ। अब हम टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि इंडियन आर्मी का ये टूर ऑफ द ड्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हाल ही में 2-3 दिन पहले मीडिया, अखबारों द्वारा, टीवी चैनलों के द्वारा पता चला कि इंडियन आर्मी ये टूर ऑफ द ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लाने वाले। तो ये टूर ऑफ द ड्यूटी का कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि आप अपने देश के लिए, अपनी इंडियन आर्मी में 3 साल के लिए सेवा दे सकते हैं और बाद में आप रिटायर हो सकते हैं। तो ऐसा करने के पीछे गवर्नमेंट का क्या हार्द है और उसके पीछे क्या असल में वजह है, इसको जानने की हम कोशिश करें। तो सबसे पहले तो जो आर्मी के ऑफिशियल सूत्रों के पास से इंफॉर्मेशन मिली है उसने बताया कि जो आर्मी होती है वो यंग होनी चाहिए, तब भी वो युद्ध कर सकती है और युद्ध में दुश्मन को परास्त कर सकती है। और हमारा पूरा हिंदुस्तान एक यंग इंडिया के पहचाना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो आबादी है उसकी 60% से आबादी यंग बोली जाती है। तो यंग आर्मी होगी तो हम आसानी से युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात उसने ये बताई कि जो हमारी सारी इंडियन आर्मी है इसमें तीनों पंख आ गए, उसका जो पेंशन, सिपाहियों का पगार, इन सभी को मिला के जो हमारा डिफेंस बजट होता है उसके 56% खर्च हो जाते हैं। तो इसमें हम आर्मी का जो मॉडर्नाइजेशन है वो नहीं कर पा सकते हैं, अत्याधुनिक जो वेपन्स होते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है उसको हमको परचेस करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, जो 3 साल का कॉन्सेप्ट लाएंगे तो हमारी पूरी जो युवा धन है वो देश के लिए सेवा करने के लिए आर्मी में जाएगा, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग बनेंगे और उसमें एक लीडरशिप का अमूल्य गुण आएगा, जिससे बाद वो 3 साल के बाद आर्मी से रिटायर होंगे तो जहाँ भी वो जाएंगे, कुछ भी प्रकार का जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसमें उसके सामने लीडरशिप का एक्सपीरियंस होगा, तो फिर से वो अपनी देश में देश को इनडायरेक्टली सर्व कर सकते हैं। वो इंडियन आर्मी का मेन कॉन्सेप्ट फोकस बोला जाता है। और दूसरी बात क्या हुई कि ऐसा करने से जो हमारा यंग ब्रिगेड होता है वो मिसगाइड नहीं होगा, उसमें एक राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की भावना जगेगी और उससे हमारे देश को फाइनली काफ़ी बड़ा बेनिफिट होगा और हम भी एक आगे निकल सकते हैं। आप सभी को पता होगा इजराइल, अमेरिका, इन सभी देशों में कंपलसरी आर्मी में सर्व करना होता है। इजराइल में आपको 2 साल के लिए कंपलसरी आर्मी को ज्वाइन करना पड़ता है, और अमेरिका में भी ऐसे ऐसे समय समय पे उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ये करने से काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो सकता है। किंतु कुछ जो क्रिटिसाइजर है वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आर्मी अपने बजट के खर्च को दबा देंगी और उसको दूसरी जगह डाइवर्ट करनी चाहती है, और इसे करने से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट हो सकता है, उसमें मुश्किलें आ सकती है, ये आर्मी को चलाने का सही तरीका नहीं है। किंतु दूसरा पक्ष है, दूसरा मत है, उसका ये मानना है कि ये करने से हमारे देश में एक राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद देशभक्ति की भावना जगेगी और वो फ्यूचर में लास्ट तक हमारे देश को काफ़ी बेनिफिट करवाने में भी सक्षम होगी। और मेरा भी पर्सनली ओपिनियन ये है कि आप सोचिए
आप सभी को पता होगा जो हमारी ग्रामीण लेवल की लड़कियां होती है वो 10-12 तक पढ़ती है और बाद में वो अपनी पढ़ाई छोड़कर मैरिज करकर अपनी सोशल लाइफ एंजॉय करने लगती है। सोचिए अगर ये रूल्स जो ये नया प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है, इसको अमल में ला सकते हैं, तो क्या होगा कि जो ये लड़कियां होती वो भी 10-12 के बाद भी 3 साल के लिए हमारी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेंगी। वहाँ से उसको लीडरशिप, ब्रेवनेस, स्ट्रॉन्ग बनने का जो सब कुछ उसमें आएगा, वो बाद में जो अपनी वो सोशल लाइफ एंजॉय करेंगी, तब हमारी जो आने वाली नस्ल होगी उसमें ऑटोमेटिकली ये सब राष्ट्रवाद के, देशभक्ति के गुण को हम चरितार्थ कर सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन से अगर ये हो जाता है तो हमारे सब हिंदुस्तान वासियों के लिए काफ़ी बढ़िया बात होगी और हम इस तरह हमारे देश की सेवा भी कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है और कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइए। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, साथ में इसको शेयर भी कर दीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।